पाकिस्तान से हजारों लोग हर साल अजरबैजान के शहर बाकू देखने जाते हैं। आखिर बाकू ही क्यों जाते हैं? इसलिए कि यही वहां का बड़ा और कैपिटल सिटी है, और इसके अतराफ के छोटे बड़े दो चार शहर और भी हैं जो देखे जाते हैं, लेकिन मेन सिटी तो बाकू है। जो बहुत पुराने तारीख और अपनी रिवायत रखता है और कुछ खास वजूहात की बिना पर बहुत मशहूर है, और न सिर्फ पाकिस्तान इंडिया से बल्कि दुनिया भर से हर साल हजारों बल्कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। कोविड से पहले पहले तक इनका हाईएस्ट टूरिस्ट का एक रिकॉर्ड भी टूट चुका था, और कोविड में यहाँ सैयाह आना थोड़े कम हुए, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से लोगों की आमद शुरू हो गई। साफ सुथरी सड़कें, खूबसूरत ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, जदीद इमारतें, कदीम ओल्ड सिटी के बाजार, वहाँ की मसाजिद, जहाँ चाहें निकल जाएं, उबर बुलाएं, बैठें, चले जाएं, और बहुत सस्ता है ये अफोर्डेबल है। अगर आप बाकू जाते हैं तो आपको रेंट कार या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस आप वहाँ की उबर की ऐप डाउनलोड करें और बुलाएँ, और उनकी करेंसी में 2-4 रुपए दे के अपनी मंजिल पे पहुंचे, वापस आए। यकीनन उनको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जो टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग हैं, जो लोग टैक्सी चलाते हैं, उनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी इतनी आती है कि आपका काम हो जाता है। पुलिस बहुत मुनज्जम, बरवक्त और बहुत फास्ट स्पीड से पहुंचती है अपनी जगहों पे, और कभी भी अमनो अमान का कोई मसला, कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी गई। कभी किसी टूरिस्ट ने शिकायत नहीं की कि उसके साथ लूट मार हुई है या उसके साथ कोई ज्यादती हुई है। तो लोग एक दफ़ा आने के बाद दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा आते हैं, बार बार आते हैं। हमारे होटल में बहुत सारे पाकिस्तानी भी थे, हमें टूरिस्ट प्लेसेस पे कुछ हिंदुस्तान के लोग मिले, कुछ श्रीलंका के लोग मिले, जो ग्रुप्स में भी और अलग अलग भी आए हुए थे, और किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। होटल भी इंतहाई शानदार और आना जाना भी बहुत सहल। हाँ, रश आवर्स में कुछ ट्रैफिक तो मिलता ही है। और मजमूई तौर पर एक देखने की जगह है, एक बेहतरीन शहर है एशिया में, जहां आप थोड़े से पैसों में पहुंच भी सकते हैं और अपना गुजारा भी कर सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ। अपने मुल्क में तो आप घूमते फिरते ही हैं, तो अगर बच्चों के साथ आप किसी दूसरी तहजीब, कोई दूसरी सकाफत और उनका कल्चर देखने के लिए कुछ दिन क़याम करते हैं, तो ये आपके बच्चों के एतमाद में और उनको दुनिया के दूसरे कौमों का थोड़ा बहुत हाल या एतमाद देता है। मुझे यहाँ बहुत आसानी हुई घूमने फिरने में, अगरचे यहाँ मेरे एक दोस्त थे और उन्होंने बहुत मेरी मदद की, लेकिन अगर वो ना भी होते तो एक आध दिन भटकने के बाद मैं कुछ ना कुछ देख ही लेता। तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि जितने पैसों में हमने बाकू शहर में 8-10 दिन गुजारे, ज़रूरी नहीं है कि आप भी 8-10 दिनों के लिए ही जाएं। इस शहर को 3-4 दिन में बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है,
इनके खाने चखे जा सकते हैं शहर की, कई दफ़ा आप शॉपिंग मॉल में, समुद्र के किनारे और दूसरी जगहों पे जाके अच्छा वक्त गुजार सकते हैं।